माना मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, पर सफर मेरा जारी रहेगा। जी हाँ, ये लाइनें भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी के ऊपर स्टिक बैठती हैं। मुश्किलों के बावजूद उनकी जिंदगी का सफर चलता ही रहा। 20 जून 1958 में मयूरभंज उड़ीसा में उनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए भुवनेश्वर उनको जाना पड़ा और रामादेवी कॉलेज से उन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 4 साल बिजली बोर्ड में काम किया असिस्टेंट के तौर पर। इसके अलावा उन्होंने टीचर के तौर पर भी काम किया था। श्यामा चरण मुर्मू के साथ उनकी शादी हुई और इस शादी से 2 लड़के और 1 लड़कियां हुई। लेकिन 2009 में उनके एक लड़के की डेथ एक्सीडेंट के कारण हो जाती है। फिर दूसरे लड़के की डेथ 2013 में हो जाती है और 2014 में उनके पति की मौत भी हो जाती है। इस टाइम उनकी जिंदगी बड़ी ही दुखदपूर्ण थी और वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो फिर झारखंड के पहले राज्यपाल के तौर पर चुनी गई और पूरे 5 साल उन्होंने पूरे किए। एनडीए ने उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार भी घोषित किया और अब आप सभी को पता है वो भारत के नए राष्ट्रपति के तौर पर उनको चुन लिया गया है। उनकी एक लड़की है जो अब भी बैंकर के तौर पर काम कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुश्किलों के बावजूद भी उनकी जिंदगी का सफर हमेशा चलता रहा है और वो आज हम सबके सामने